ब्रह्मपुत्र में करते हो? क्यों? करंट है ऐसे, डीडी बसु में भी बहुत करंट है। मेरे साथ पिछली बार कुछ मेरे सोसाइटी के लोग आए थे, तो सोसाइटी में वो स्विमिंग पूल होते हैं ना, उसमें वो लोग स्विमिंग करते हैं, तो आए तो बोले कि हम ब्रह्मपुत्र में स्विमिंग करेंगे। हमने कहा ये गलती मत करना, एक बार जंप कर गए ना फिर ऊपर नहीं आओगे। एनसीईआरटी क्या है? स्विमिंग पूल है। सोसाइटियों में छोटे छोटे स्विमिंग पूल होते हैं, उसमें लोगों को हाथ पैर हिला के ऊपर ही रहते, 4 फीट का स्विमिंग पूल यार, तो उनको एक मतलब एक इल्यूजन पैदा हो जाता है कि हम स्विमिंग करना जानते हैं। फिर नदियों में क्या होता है, ऊपर पानी शांत होता है, नीचे अंडर करंट होता है, और एक बार तुम नीचे चले गए फिर तो, और अगर तुम पैनिक हो गए फिर तो तुम्हें कोई बचा ही नहीं सकता। और स्विमिंग के जो लॉज हैं वो जिंदगी के भी लॉज हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जब भी कोई डूबे उसके करीब मत जाना, अगर बचाना है कपड़ा उतारा उसको पकड़ा रहे, अगर वो कह रहा हम कपड़ा नहीं पकड़ेंगे तब उसके करीब मत जाना, अगर तुम उसके करीब गए तो वो तुमको लेके जाएगा।